हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग, वैसे तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, बट हमारी आज की ट्रेन ही कैंसिल हो गई। अभी रीज़न क्या है पता नहीं, तो फिर हमने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि हम लोग कार से जाएंगे। ये हमारे प्लान में नहीं था, बट हमको मजबूरी थी क्योंकि हमें शादी में जाना है, तो फिर हमें कार लेना ही पड़ा। हम लोग चार लोग हैं, मैं हूँ और मेरा कज़िन शिवम और उसका फ्रेंड सनी और मेरा मायसेल्फ उमा सिंह भाई। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बिहार के टूर पे और वहाँ दो शादी अटेंड करनी है हमें, तो मिलेंगे आगे। काफ़ी अच्छी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है हमारी, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और हमारे फ्रेंड जो हमारे व्लॉगर शुभम झा है, आज मैं उनका डायलॉग फिर से यूज़ करूँगा। तो आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। चलो। सो फ्रेंड्स, अभी एक जस्ट एक छोटा सा ब्रेक, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। और मेरे कजिन्स और उसके फ्रेंड्स सो गए हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा शिवम अभी एक पावर नैप लेने के बाद उसे भूख लग गई, तो फिर हमने सोचा चलो वैसे भी नाश्ते का टाइम हो रहा है तो नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी हम लोग एक ये नगर के आसपास है और क्या नाम था इस रेस्टोरेंट का, कन्हैया वेज, प्योर वेज रेस्टोरेंट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी गाड़ियाँ लगी है, काफ़ी लोग खा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें भीड़ देखकर हमने सोचा कि हम भी खा लेते हैं। अच्छी जगह लग रही है, मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली समृद्धि महामार्ग पर आ गए हैं और ये वही रास्ता है जहाँ पे हमने एक ब्लॉग बनाया था और हमने एक छोटा सा पैच कवर किया था उसमें। बट आज हम लोग औरंगाबाद से एंट्री लेकर अब नागपुर तक जाएंगे, एंड तक जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फुल फ्लेज्ड जर्नी होगा समृद्धि महामार्ग पे। तो देखते हैं अभी सेकेंड टाइम आने के बाद क्या चेंज हुआ है एक्सप्रेसवे पर। फर्स्ट टाइम तो हिरन मिली थी, अब क्या मिलता है पता नहीं, देखते हैं। अभी भी हम लोग मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हैं और अभी हमें करीब करीब एक सवा घंटा लगेगा नागपुर पहुंचने में। तो हम लोग नागपुर नहीं जा रहे, हम लोग नागपुर से ये समृद्धि एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद हम लोग वाराणसी का हाईवे पकड़ेंगे और आगे जाके एमपी के शिवनी में हम लोग स्टे लेने का प्लान कर रहे हैं। अभी देखते हैं टाइम कितना लगता है, बट अभी इनिशियल प्लान तो यही है कि शिवनी में रुकेंगे, क्योंकि हम अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिए तो कल हमें थोड़ी आसानी होगी और हमारे पास आज टाइम भी है काफ़ी। तो चलते हैं आगे, क्योंकि जो शिवनी वाला एरिया है, शिवनी के पहले वो एक्चुअली पेज नेशनल पार्क से, टाइगर रिजर्व से होके गुजरता है, तो वो एरिया थोड़ा सा अगर रात हो गया तो रिस्की भी है मेरे ख्याल से। तो हम दिन में ही निकल जाएंगे वहाँ से और शाम होते होते या फिर जस्ट अंधेरा होते होते हम शिवनी पहुंच जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सो मैंने जैसे इनिशियली आपको बताया था कि मैं सेकंड टाइम आ रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो एक इमेज लेकर गया था इस एक्सप्रेसवे के बारे में, तो कुछ सो सा इमेज था। अभी मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा, और डेफिनेटली मैंने प्रोग्रेस देखा है। सबसे पहला प्रोग्रेस कि जो बैरिकेडिंग थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर
बैरिकेडिंग प्रॉपर हो चुकी है, ये साइड में देखिए आप, ये जो ये पार्ट जो है आपने बैरिकेडिंग देखा है वो इसलिए लगाया है कि ताकि जानवर रोड पे ना आ सके, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। ये प्लांटेशन हो गया यहाँ पर, ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। और रोड की मार्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और साइड में कुछ काम चल रहा है अभी भी, तो ये लंबा चलने वाला है। बट ओवरऑल एक ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हर वो चीज़ अभी अवेलेबल होने लगी है। जैसे मैंने पेट्रोल पंप ज़्यादा देखा पिछली बार से, अगर हमने कंपेयर किया, कुछ होटल्स खुले, इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं खुले हैं, बट यस आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। होपफुली आने वाले एक दो साल में ये रास्ता पूरा मतलब एक तरीके से फैसिलिटी रिच होगा, तो देखते हैं। अभी के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने समृद्धि महामार्ग को छोड़ दिया है, और अभी हम लोग गूगल के हिसाब से नेशनल हाईवे 353 I पर हैं, और मुझे नहीं पता कि यही वाराणसी जाएगा, बट अब जैसा गूगल बता रहा है वैसे हम लोग फॉलो करेंगे और बढ़ेंगे आगे वाराणसी की तरफ। बट हम लोग आज शिवनी में स्टॉप लेंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे और सुबह आगे जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट MP में एंट्री किए और अभी टाइम हो रहा है 5:55, तो शाम के 5:55 PM हो रहे हैं, और आप अंधेरा देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी जल्दी सनसेट हो गया। और अभी हम लोग शिवनी के पहले जंगल से गुजर रहे हैं, और ये जंगल जो है आप काफ़ी पॉपुलर है, पेंच नेशनल पार्क आप सभी ने सुना ही होगा, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग शिवनी, जैसे कि मैंने बताया था, शिवनी जाके रुकेंगे, और हमें शिवनी जाने को करीब करीब और 1 घंटा लगेगा, और वहाँ जाके आराम करेंगे। बट इस रोड पे काफ़ी टोल आ रहे हैं, ये अभी तक 4th टोल है हमने जब से एंटर किया तब से। बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग शिवनी के बाहर आकर एक हाईवे पे होटल ले लिया हम लोगों ने, और अब हम आराम करेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे और आराम करेंगे। और ये है हमारा होटल, होटल का नाम है होटल शर्मा पैराडाइज। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी हम लोग अपने होटल में रेस्ट करने वाले हैं। हम लोग ने शिवनी से थोड़ा सा बाहर आकर मतलब MP स्टेट में हाईवे के किनारे ही एक होटल ले लिया है। होटल ऐसे कुछ खास नहीं है, ओके ऐसा बोलूँगा मैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बट आज सोने के लिए काफ़ी होगा, हम लोग सुबह उठ के फिर आगे की जर्नी की तरफ बढ़ेंगे, और हम लोग जाएंगे वाराणसी कल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।